हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने बच्चे क्लास टेंथ पास कर गए क्लास इलेवेंथ में क्या एडमिशन लेंगे, उनके ज़िंदगी का सवाल रहता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ूं। इसी में से देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं वो मैथ लेकर पढ़ेंगे, बायो लेकर पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे कॉमर्स लेकर पढ़ेंगे, और उन्हीं में से बहुत से बच्चे क्या कला लेकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिएगा, कला कोई क्या है सब्जेक्ट ये नहीं है जो आप लोग कहते हो कि मैं कक्षा 11 में कला लेकर पढ़ूंगा। वो पूरी तरह से क्या है, गलत है जो आप सोचते हो। वो कला नहीं है, वह मानविकी वर्ग है। क्या है? मानविकी की सब्जेक्ट है, विषय है, उसी को इंग्लिश में ह्यूमैनिटीज में कहते हैं। तो अगर आप जैसे जैसे इस चीज़ को सुधारोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हम अच्छी सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं। आप कला आज के बाद कभी मत कहिएगा कि मैं कला लेकर पढ़ रहा हूँ। आप क्या लेकर पढ़ रहे हैं? ह्यूमैनिटीज़ लेकर पढ़ रहे हैं, मानविकी के विषय लेकर पढ़ रहे हैं, ये शुद्ध है। अब पहले आप सीखिएगा इसमें मेन सब्जेक्ट आपको क्या लेना है। जितने बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कक्षा 11 में कला लेकर पढ़ूंगा, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अभी मैं जैसा आप सोच रहे हैं उसी तरह से बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसीलिए मैं मानविकी की जगह आपको कला ही बोलूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, मान लीजिए आप कक्षा 11 में मानविकी वर्ग के विषय लेकर आपको पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसमें देखिए मुख्य सब्जेक्ट जो हैं, अच्छे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप कुछ लाइफ में कर सकोगे, वो सब्जेक्ट सुनिए। सबसे पहले भूगोल आता है, इतिहास आता है, राजनीति शास्त्र आता है, समाज शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश और संस्कृत आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपको क्लास इलेवेंथ में 5 सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, वही 5 सब्जेक्ट आपको क्लास ट्वेल्थ में भी आपको क्या पढ़ना होगा। तो इसमें 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा उस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं या किसी अन्य कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो इनमें से ये जो आप 5 सब्जेक्ट लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, सभी के सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं। आप कहोगे ज़्यादा प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? ज़्यादा प्रश्न क्या सभी सब्जेक्ट से समान रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं? कभी कभार पेपर बनाने वाला क्या दिमाग के ऊपर उसके ऊपर है कि किसी विषय से ज़्यादा प्रश्न उठा देता है तो किसी से कम। अब आपको आपके मन में आ रहा होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेकर क्लास इलेवेंथ में पढ़ें, वो भी आपको बताऊंगा। ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ सिर्फ पास होना चाहते होंगे, वो भी सुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा विषय आता है भूगोल। भूगोल के साथ आपको कौन कौन सा विषय लेकर पढ़ना होगा? 5 ही विषय आपको लेकर पढ़ना है। आप भूगोल अगर लेके पढ़ रहे हैं, भूगोल के साथ आप क्या अर्थशास्त्र लेकर पढ़ सकते हैं और समाजशास्त्र भी लेकर पढ़ सकते हैं। यानी भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, 3 सब्जेक्ट क्या आपके ये हो गए। अब बचे आपके 2 सब्जेक्ट और आपको लेने हैं, जिसमें से हिंदी आपका क्या कंपलसरी रहता है और इंग्लिश और संस्कृत क्या होते हैं ऑप्शनल होते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट में से आपको एक ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है वो क्या संस्कृत लेकर पढ़ेंगे। वैसे तो इंग्लिश से ज़्यादा कहीं कठिन संस्कृत होता है, इसके प्रश्नों का उत्तर भी आप याद नहीं कर पाएंगे। अगर इंग्लिश आप ले लेंगे तो उससे पास भी हो जाएंगे, और संस्कृत ले लेंगे तो उससे भी पास होता है, क्योंकि लोग संस्कृत में क्या पास कर देते हैं। तो इन दोनों में से आप डिसाइड करिएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया था, एक हिंदी आपका क्या कंपल्सरी था तो 3+1 हुआ, प्लस आपका क्या ये आपका ऑप्शनल था, इसमें से आप एक सब्जेक्ट लिए, 3 × 1 = 4, 4 × 1 क्या हो गया 5 हो गया। 5 सब्जेक्ट लेकर आपको पढ़ना है। मान लीजिए आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया, आपने भूगोल लेकर पढ़ा इलेवेंथ में, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र 3 सब्जेक्ट हो गया, हिंदी लेकर आप पढ़े, इसके बाद मान लीजिए इंग्लिश लेकर पढ़े, तो यही सारे सब्जेक्ट आपको क्या क्लास ट्वेल्थ में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब बहुत से बच्चों को अर्थशास्त्र देखिए थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, भूगोल भी क्या कठिन सब्जेक्ट है। अब मैं उन बच्चों को बताता हूँ जो पास होना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ, वो क्या करेंगे, वो आप क्या करेंगे समाजशास्त्र ले लेंगे, आप इतिहास ले लेंगे और भूगोल ले लेंगे। क्या लेंगे? भूगोल ले लेंगे, इतिहास ले लेंगे, समाजशास्त्र ले लेंगे। भूगोल में देखिए 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इससे आप आसानी से पास हो जाएंगे। हिंदी आपके लिए कंपलसरी है, इंग्लिश अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो संस्कृत ले लीजिएगा, आप विधिवत तरीके से पास हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपको कुछ करना हो, अगर आपको टीचिंग लाइन मास्टर बनना है या कोई भी अधिकारी बनना है, तो आप क्या करिएगा, भूगोल लेकर पढ़ेंगे, इतिहास लेकर पढ़ेंगे, आप राजनीति शास्त्र भी लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आप समाजशास्त्र अर्थशास्त्र नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन तीनों विषयों को लेकर पढ़ेंगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा। और हिंदी और इंग्लिश लेकर पढ़िएगा, संस्कृत आप छोड़ दीजिएगा। जिनको अधिकारी लेवल का रैंक लेवल का कुछ काम करना है यानी सरकारी नौकरी करनी है, तो ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर हमें पास होना है, पास होने के लिए हम भूगोल ले लेंगे, इतिहास ले लेंगे, समाजशास्त्र ले लेंगे और हिंदी ले लेंगे, संस्कृत लेंगे, पास हो जाएंगे। अब जिनको थोड़ा अच्छा काम करना है वो भी यही सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, बस आप संस्कृत के बजाय आप इंग्लिश ले लीजिएगा अगर आपको सरकारी नौकरी करना है। अब ये डिसाइड करता है कि आपको अगर इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तो आप अर्थशास्त्र लीजिएगा, इकोनॉमिक्स को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर आप अर्थशास्त्र में तेज हैं यानी मैथ आपका थोड़ा तेज है तो आप अर्थशास्त्र लीजिएगा, अर्थशास्त्र ले लीजिएगा, आप इतिहास ले लीजिएगा, आप भूगोल ले लीजिएगा, ये सारे काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट हैं। अगर आप मान लीजिए इतिहास नहीं लेना चाहते हैं, इतिहास में आपकी रुचि नहीं है, तो आप राजनीति शास्त्र लेकर पढ़ सकते हैं। राजनीति शास्त्र में भी आपकी रुचि नहीं है तो आप क्या समाजशास्त्र ले सकते हैं। उसी तरह से भूगोल को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, ये सारे विषय आपको क्लास 8th, 9th, 10th तक आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा भूगोल अच्छा था कि इतिहास अच्छा था कि समाजशास्त्र अच्छा था कि अर्थशास्त्र अच्छा था। 10 तक ये सारे विषय आप पढ़े होंगे, वही सारे आपको 11th में थोड़ा विस्तार से पढ़ना होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपको थोड़ी ना थोड़ी इस वीडियो से काफ़ी ज़रूर मदद मिली होगी। तो मैं ही क्लास 11th और 12th को क्या पढ़ाता हूँ, भूगोल पढ़ाता हूँ, तो भूगोल पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे उनसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।